हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन है उनकी स्टार्टिंग डेट कब से है, मतलब एडमिशन कब से आपके स्टार्ट होंगे, और इसके अलावा एडमिशन की फ़ीस क्या रहने वाली है, क्योंकि ये जो फीस को लेकर जो काफ़ी ज़्यादा जो डाउट्स है स्टूडेंट के मन में है। तो आज की वीडियो उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखिए, आपसे एक मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जो कि अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप अगर आप थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुके हो ऑलरेडी, वैसे तो क्योंकि आपको क्लासेस का मैसेज आ ही रहा होगा। अभी ऑनर्स की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और कहीं ना कहीं बी प्रोग्राम की जो क्लासेस हैं वो भी आप कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। तो वैसे तो आप अनऑफिशियल तरीके से थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो चुके हैं, जिन्होंने अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था अगस्त में, वो भी थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो चुके हैं, और जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम मई जून में दिया था वो भी फिफ्थ सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो चुके हैं। तो एडमिशन आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको सभी को बार बार इसी चीज़ को लेकर बोलता हूँ कि एडमिशन डिपेंड करते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। तो अभी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है सारे कोर्सेज का, तो जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर के सारे कोर्सेज का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के ही सारे रिजल्ट क्लियर नहीं हुए हैं, और इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी अभी आना बाकी है। तो अभी यहाँ तो रेगुलर का आया, सोल की तो अब बहुत दूर की बात है। तो फिलहाल मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि फ़िलहाल आपको जो एडमिशन के लिए फ़िलहाल आपको अक्टूबर तक का समय रुकना ही पड़ेगा, नहीं अक्टूबर तक आपको रुकना ही पड़ेगा। तो सेप्टेम्बर में कोई उम्मीद नहीं है कि आपके जो एडमिशन है वो शुरू हो जाए। तो यानी कि अब थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो एक ही साथ स्टार्ट होंगे, जहाँ तक अनुमान यही लगाया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट दोनों के डिले हो रहे हैं, और रिजल्ट डिले होने के पीछे तर्क कुछ नहीं दिया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस किए जा रहे हैं, और जो अल्टीमेटम दिया हुआ है वो 15 सेप्टेम्बर का दिया हुआ है रिजल्ट निकालने का, सेकेंड सेमेस्टर के लिए नहीं, फर्स्ट और फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, अब आपका फिफ्थ सेमेस्टर का जो एडमिशन है सेप्टेम्बर लास्ट तक, यानी आपको वेट करना होगा। अगर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट 15 सेप्टेम्बर तक आ जाता है तो फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन है, जब तक सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आता तब तक शुरू नहीं होंगे। तो रिजल्ट अभी तक रेगुलर के नहीं आए, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन 15 अक्टूबर के बाद ही शुरू हो सकते हैं। अभी आप कहोगे सर बहुत लेट है, तो लेट है सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर भी नहीं आया है, तो आप पढ़ोगे क्या। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि एडमिशन जब तक शुरू हो थर्ड सेमेस्टर के, तब एग्ज़ाम और एडमिशन के बीच में एक महीने से भी कम का समय रह जाए, ठीक है। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप भी इंतज़ार कर रहे हो, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, और सोल भी इंतज़ार यही कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सोल रिजल्ट नहीं निकालता, रिजल्ट निकालने का काम दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच का है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा सोल अपने एडमिशन स्टार्ट कर देगा, वो भी उसी को पे डिपेंड है, हम भी उसी को पे डिपेंड है, और आप भी उसी को पे डिपेंड है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन है उसके लिए आपको अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यही लगा रहा था कि अभी तक कि रिजल्ट आपका फोर्थ सेमेस्टर का पहले आ जाएगा, जो कि अपडेट था, बट अभी तक रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर 15 सितंबर तक रिजल्ट फोर्थ सेमेस्टर का क्लियर हो जाता है तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन हमें लास्ट वीक ऑफ सितंबर तक देखने को मिल जाएंगे, बाकी सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद ही थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू होंगे, जो कि अब हमें अक्टूबर में ही देखने को मिल सकते हैं, यानी अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ सकता है। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी, बार बार एडमिशन को लेकर डाउट अपने मन में परेशानी ना रखिए, जैसे एडमिशन शुरू होंगे हम आपको बता देंगे। अब सबसे बड़ी चीज़, फ़ीस कितनी जाने वाली है, तो जब तक जेब में पैसा ना हो तब तक एडमिशन कैसा, ठीक है। तो एडमिशन की फ़ीस को लेकर मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपकी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की फ़ीस उतनी ही जाएगी जितनी आपकी पिछले ईयर आपकी फ़ीस गई थी, मतलब जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी जो भी थर्ड सेमेस्टर में आएंगे उनकी जितनी फ़ीस फर्स्ट ईयर में गई थी उतनी ही फ़ीस आपकी थर्ड सेमेस्टर में जाएगी, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के साथ आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी एडमिशन होता है, यानी एक साल की फ़ीस आप पे करोगे, सेम उतनी ही फ़ीस पे करोगे जितनी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के टाइम पे की थी। तो अब आप अनुमान लगा सकते हो कितनी फ़ीस आपने पे की थी, किसी ने 5,000 की थी, किसी ने 5,800 की थी, ठीक है, उतनी फ़ीस आप पे करोगे। सेम जिन्होंने आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन के टाइम पे फ़ीस पे की थी, जिनने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले एडमिशन है, जिनके एडमिशन होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में, उतनी फ़ीस आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में जाएगी, एक साल की फ़ीस होगी, उसमें आपका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर दोनों इंक्लूड आपका
होगा। इसके अलावा अगर जिनकी ER है तो ER के फॉर्म भी इन्हीं के साथ फिल होंगे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ। जिनकी भी ER रह गई या जिनकी भी ER है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, वो भी फॉर्म के साथ ही फिल होंगे। उनकी फ़ीस अलग से जाएगी 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बार बार कह रहा हूँ एक ही चीज़, एडमिशन के लिए फ़िलहाल आपको अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा। एडमिशन शुरू हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक एडमिशन भूल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा फ़ीस मैंने बता दी, जितनी फ़ीस आपकी पिछले साल गई थी एडमिशन के टाइम पे, उतनी फ़ीस आपकी जाएगी इस साल भी। समझ में आ गई बात? और कोई अपडेट होगी ज़रूर बताऊँगा। बाकी हम भी अपडेट बनाए हुए हैं और जैसी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर रहे हैं, बीच बीच में हम आपको अपडेट कर रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।